बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद अमान और आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। बहुत ही अरसे बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उसकी वजह बाज़ जो दोस्तों ने मतलब पूछी थी कमेंट्स में, मैंने उनको बताया था कि कुछ ऑफिशियल मसरूफियात थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिली, तो मतलब मैं आपके सामने फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम कोई स्ट्रीट फूड वगैरह के लिए तो नहीं जा रहा है और ना ही जो है ना हम कुकिंग की तरफ जा रहे हैं, बल्कि मैंने फेसबुक पे कुछ एक नई चीज़ देखी थी, मेरे लिए नई थी, मे बी कि आप सब बहुत से लोगों के लिए नई ना हो, तो वो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो सोचा उसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर करूँ और आपको भी दिखाऊँ कि इसका टेस्ट कैसा है। लाजिम बात है मैंने मंगवाई तो खाने की चीज़ ही होगी। मैंने जो मंगवाई है बेसिकली ये मंगवाई है मैंने किलाओ, ये मैंने मंगवाई है किलाओ। किलाओ है क्या? किलाओ बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का ही एक सौगात है, और इसमें क्या होता है कि जो अखरोट होता है, अखरोट के मगज़ को जो है ना मुख्तलिफ जो है ना जो ऑर्गेनिक जूसेस होता है उसमें जो है ना वो उसको सारा जो है ना मतलब उसके खुश करते हैं। तो देखते हैं देखने में कैसा है और खाने में कैसे हैं, अभी देखते हैं। कहाँ से खुलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ये हमारा होय 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 माशाल्लाह। अच्छा ये देखें, ये है हमारा किलाओ। इसको ये अखरोट को जो है मुख्तलिफ किस्म के जो जूसेस हैं जिसमें मलबरी, अंगूर और खुबानी, इसको जूस में जो है ना मेरे ख्याल इसको ये उबालते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन उसी में फिर इसको ये खुश करते हैं। तो ये सारा देखें, अगर इसको मतलब ये कि थोड़ा सा ये अगर आप चेक करें तो इसका अभी भी जो है ना वो टेस्ट भी इसमें आ गया और फील भी हो रहा है, और इसके बाद इन्होंने जो है ना ये धागे में इसको फिरोया है। ये तकरीबन है दूसरा धागा भी है, लेकिन मैंने अभी इसको सिर्फ इसका निकाला है। ये जी हमारा किलाओ जो है ना, ये अनपैकिंग हो रही है। ये एक दूसरा जो है ना इसका हार है माशाल्लाह। इसको आप जो है ना गले में भी बांध सकते हैं और इस तरह पहन के इसको खा सकते हैं। बचपन में जब हम छोटे थे होते थे तो हम इस तरह जो है ना मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है ना धागे में फिरो के जो है ना इसी तरह एक हार सा बना लेते थे और गले में पहन के जो है ना उसे ऐसा ऐसा खाते थे, तो वो याद आज ताज़ा हो गई। ये इसमें अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें यहाँ पर जो है ना, ये देखें पेस्ट सा इस तरह क्रिस्टल सा या जैम सा जेली सा नज़र आ रहा है। ये बेसिकली वो जूसेस हैं जिसमें इसको बनाया गया है। इसको मेरे ख्याल उबालते हैं इसमें और फिर इसी में जो है ना मतलब ये कि धागे में पहले फिरोते हैं, और धागे में फिरोने के बाद जो है ना इसको उन जूसेस में उबालते हैं, और उबालने के बाद जो है इसको खुश करते हैं। तो इन्होंने तो कहा है ये बेसिकली है किलाओ, वॉलनट किलाओ, शायद इसमें बाकी ड्राई फ्रूट्स में भी हो। तो ये मैंने मंगवाया है प्यूरिगेनिक फूड, फेसबुक पे इनका पेज भी है। दूसरी बार मुझे जो इसमें अट्रैक्शन लगी वो ये है कि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है नो एडिड शुगर, ठीक है। तो ये आधा किलो तकरीबन इन्होंने मुझे मतलब मैंने कोई दो दिन पहले ऑर्डर किया था, आज मुझे मिल गया ऑफिस में, तो ये आधा किलो इन्होंने मुझे 1200 रुपए का दिया है। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये देखें बीच में इसका वॉलनट है और साइडों में जो है ना इसका वो मलबरी और मुख्तलिफ जो जूसेस हैं उसको खुश किया हुआ है। तो ये अगर आप देख लें थोड़ा स्पंजी सा है, जेली किस्म का, देखें ये आपको नज़र आ। तो देखते हैं इसका जायका कैसा है। वाकई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि इसमें आपको सिर्फ़
अखरोट का ही नहीं, ये देखें ये अखरोट है बीच में और ये वो जूसेस हैं जिसमें ये इसको बनाया गया है, ये देखें ये तो ये खुश्क हो गए तो रबड़ी सा इस रहा है टेक्सचर है इसका, और उसमें जो है ना बाकायदा आपको मलबरी का टेस्ट है ना, और वो जो ये कहते हैं कि मतलब मुझे तो जो मैंने जो पढ़ा था डिस्क्रिप्शन में मलबरी और ग्रेप्स अंगूर और इसके अलावा जो है ना खुबानी इसके रस में जो है ना इन्होंने बनाया था। मेरे लिए एक नई चीज़ है और मेरे ख्याल है मुझे तो बहुत अच्छा लगा वाकई। ये कोई पेड जो है ना या प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन एक चीज़ थी मुझे अच्छी लगी, मैंने ट्रायल बेसिस पे मंगवाई, अभी आपके सामने ही टेस्ट की खोली है और मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा। तो अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं मैं इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में जो इसका फेसबुक का पेज है वो दे दूंगा। और दूसरी बात है कि ये मेरे ख्याल बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी, इसमें देखें धागे में इसको फिरोया गया इसलिए कि इसमें मिठास भी है और जो अंगूर का वो खट्टा से थोड़ा बहुत होता है टेस्ट वो भी है, और बिल्कुल ये अखरोट है ना एक दूसरे के साथ देखें ये टेक्सचर इसको देखें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने मज़े की चीज़ है। ये देखें ये तो जो अखरोट के साथ ये जूसेस का जो है ना वो बिल्कुल एक पेस्ट सा या मतलब जेली सी बनी हुई है, ये देखें ये जेली सी जो बनी हुई है ये जेली सी जो है ना इसका अपना एक टेस्ट है जो अखरोट के साथ मिल जाता है, तो इसलिए बहुत अच्छा मज़ा आता है। हम तो अभी तक सिर्फ अखरोट को गुड़ में ही डालते थे या इसका राख कहा जाते थे, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का ये किलाव वालनट किलाव बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं इसमें बच्चे बहुत अब जब खाते हैं तो आपको मुंह में जो है ना एक जिस तरह च्युइंगम नहीं होती उस तरह से क्या एक टेक्सचर इसका फील होता है। ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपको इस किस्म की नई चीज़ें खाने का शौक़ है या आप टेस्ट डेवलप करना चाहते हैं। टेस्ट डेवलप करना क्या है बहुत ही ज़बरदस्त आपको बहुत पसंद आएगी। मैं इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये तकरीबन 1200 रुपए का जो है ना इन्होंने 500 ग्राम दिया है और पूरे इसमें दो हार हैं मेरे ख्याल, एक यह है एक ये है और ये आप इकट्ठे एक टाइम पे नहीं खा सकते, काफ़ी हैवी हैं इसलिए मैं तो अखरोट ज़्यादा इस रोज़ नहीं खा सकता, मेरे अंदर से मुंह पक जा रहा है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा मज़ा दिया है वो इस चीज़ ने दिया है, ये देखिए ये ये जो इसका जो इस तरह मैं क्या कहूँ स्पंजी किस्म का जो टेक्सचर बना है। अभी मैंने खाना खाया, अभी मैं ऑफिस से आऊँ, अभी आपके सामने खोल है, वाकई नो डाउट बहुत मज़े की चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह अभी टाइम मिल रहा है तो कमिंग वीक्स में जो है ना एक फर्दर वीडियोस भी इंशाल्लाह मैं डालूंगा, काफ़ी चीज़ पाइपलाइन में है, तो उम्मीद है आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और आपकी वजह से हम भी कुछ खाते पीते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम।